कालीन नगरी भदोही के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी और उनके चार परिजनों समेत कुल छह लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने भूमि हड़प कर विद्यालय के नाम पर शासन से धनराशि हासिल कर ली और उस पर अपना मकान बना लिया है। इस मामले में भदोही के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने भाजपा विधायक समेत छह लोगों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश भदोही पुलिस को दिया है। इससे भाजपा विधायक को तगड़ा झटका लगा है। प्रशासन से न्याय नहीं मिलने पर चोगना गांव निवासी कृष्णनंद तिवारी ने सीजेएम न्यायालय से न्याय मांगा था। विधायक पर आरोप है कि उन्होंने जमीन का फर्जी अनुबंध तैयार कर कन्या विद्यालय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 20 लाख रुपए का फर्जी अनुदान लिया, जबकि ये जमीन उनके नाम से ही नहीं है। इसमें विधायक के पिता, भाई, भतीजे के साथ छह लोगों को आरोपी बनाया गया है। पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक आनंद कर पांडे की भूमिका भी इस मामले में संदिग्ध बताई जा रही है। जमीन का कोई प्रकरण नहीं है, हमारी पैतृक जमीन है। पैतृक जमीन पे विद्यालय का निर्माण कार्य किया गया है, वो हमारे पिताजी के नाम से जमीन थी। पिताजी का जो उन्होंने हमारा उसमें बहुत ज़्यादा हक होता है, तो वो तो उसका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा जो विरोधी लोग हैं वो किए हैं, जो न्यायालय आदेश देगा वो होगा। मामला यह है कि हमारी जमीन, हमारे खानदान की जमीन और रविंद्रनाथ तिवारी फर्जी दस्तावेज बना करके और हमारे जमीन को उन्होंने जो है बंधक लिख दिया और उस पर 20 लाख रुपये ले लिए। हम लोगों को पता नहीं था। पता लगने पर हमने न्यायालय में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान न्यायालय न्यायाधीश हमारी बात को सुने और हमें भदोही से ये थी जयशंकर दुबे की रिपोर्ट।